हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों के फेवरेट खास करके मकर संक्रांति पे बनने वाले मुरमुरे के लड्डू बनाएंगे, जिसे हम एक सीक्रेट चीज़ डाल के बनाएंगे। तो आपके लड्डू है वो 10 से 15 दिन या फिर महीने भर के लिए आप स्टोर करके रखेंगे, तब भी इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। आप अगर पहली बार भी बनाएंगे लड्डू को, आपके लड्डू है वो परफेक्ट बन के तैयार हो गए और एकदम आसान तरीका है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लेना है गुड़। तो मैंने यहाँ पे जो चिक्की का गुड़ आता है वो लिया है और गुड़ मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काट के 1 कप गुड़ ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सीक्रेट चीज़ हमारी, जो है चीनी। जी हाँ, चीनी डालेंगे हम 2 चम्मच, तो उससे हमारे लड्डू है वो क्रंची भी बनेंगे और लंबे टाइम तक अच्छे से वो क्रिस्पी भी रहेंगे। उसके बाद 2 चम्मच पानी डाल के हम अच्छे से गुड़ को पकाएंगे। तब हमें गुड़ की चाशनी बनानी है और गुड़ की चाशनी हमें किस तरीके से और कितनी पक्की करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि गुड़ हमारा एकदम मेल्ट होने लगा है और अच्छे से ये गर्म होने लगा है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमें गुड़ को पिघलाते हुए पकाना है। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि गुड़ का कलर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसमें से ऐसे बबल्स उठने लगेंगे। तो बस इसी टाइम पर आपको 2-3 चीज़ें और हैं जो फ्लेवर के लिए डालनी है। ये सब चीज़ें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन हाँ, अभी सर्दियाँ चल रही है तो डालने से शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगी और साथ में लड्डू का टेस्ट है वो भी अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे जायफल। जी हाँ, थोड़ा सा जायफल आपको ग्रेट करके डाल देना है। उसके बाद 1/4 चम्मच ही हम इलायची का पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच ही हम इसमें सॉल्ट पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे। तो घी डालने से लड्डुओं में घी का टेस्ट भी अच्छा आएगा और लड्डू में थोड़ी सी शाइनिंग बनी रहेगी। तो लास्ट में हमें 1 चम्मच घी ज़रूर डालना है इसमें। अब मैं कलर में इसके फूड कलर डाल रही हूँ, तो आपको पसंद है तो आप डालें, वरना फूड कलर को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है, सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी ही डाला है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम गुड़ को थोड़ा सा और पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो अच्छे से इसमें से बबल्स आने लगेंगे और अच्छे से गुड़ है वो हमारा पकने लगेगा और कुछ इस तरीके से हो जाए। उसके बाद हम इसमें 2 चुटकी खाने वाला सोडा डाल देंगे और तुरंत ही गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने खाने वाला सोडा डाला है, एकदम से गुड़ की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम इस तरीके से हो गई है। एकदम गुड़ है वो हल्का हो गया है और एकदम इसका कलर है वो एकदम लाइट हो गया है। तो बस इसी तरीके से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो खाने वाले सोडा डालने से क्रिस्पी भी बनेंगे और इसमें एकदम लाइट लाइट कलर रहेगा लड्डुओं का, एकदम डार्क नहीं दिखेंगे। अब हम इसमें मुरमुरे डाल के मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मुरमुरे का लड्डू बनाने के लिए आपको जो मेज़रमेंट लेना है वो लेना है, आपने 1 कप गुड़ लिया है तो उसी कप से आपको 4 कप मुरमुरे लेने हैं। तो जिस भी बर्तन से आप गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी बर्तन से आपको 4 गुना मुरमुरे ले लेने हैं। अगर आप 2 कप गुड़ में बना रहे हैं तो आपको 8 कप मुरमुरे लेने हैं। तो ये होगा आपका सही मेज़रमेंट मुरमुरे के लड्डू बनाने का। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मुरमुरे के लड्डू बनाने की सोचे तो आपको इस मेज़रमेंट को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप इसमें से कुछ भी चीज़ है वो कम ज़्यादा कर देंगे तो आपके लड्डू है वो बंध नहीं पाएंगे या फिर गुड़ है वो ज़्यादा लगेगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो थोड़ा सा हाथों में ऐसे पानी लगा के लड्डू बनाएंगे तो हाथों में ये मुरमुरे हमारे चिपकेंगे नहीं और लड्डू है वो अच्छे से बंध पाएंगे। तो बस इस तरीके से हम अच्छे से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स मुरमुरे के लड्डू बनाने का, एकदम झटपट से बन जाते हैं, टाइम भी नहीं ज़्यादा लगता है और इसमें मेहनत भी बहुत कम होती है और ये खा के बच्चे भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो इस मकर संक्रांति पे आप इस लड्डू को बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए, फिर हमारे सारे लड्डू है वो बन के तैयार हो गए हैं। तो सेम तरीके से आपको लड्डू बनाने हैं, लेकिन हाँ, लड्डू बनाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये मिश्रण गर्म हो तब भी आपको लड्डू बना लेने हैं। अगर थोड़ा सा भी ये ठंडा हो जाएगा मिक्स तो फिर लड्डू हमारे है वो बंध नहीं पाएंगे। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप इसको फिर से गर्म कर ले और दोबारा से लड्डू बनाएं तो बन जाएंगे इस तरीके से। तो लीजिए, फिर हमने बातों बातों में ये सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, बहुत ही झटपट और एकदम सिंपल तरीके से लड्डू बन के तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, इस मकर संक्रांति पे आज इस लड्डुओं को बना के ज़रूर से ट्राई करना और आपको ये मेरी लड्डू बनाने की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसी आसान सी और नई रेसिपी के साथ। बाय।